तो जाम्बिया में वेकेशन के लिए आई हो? हाँ मैं गलत ना हूँ तो तुम एलए से हो? न्यूयॉर्क? हाँ शायद आज मिस्टर कॉनराड हमें ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। दो दिन पहले उसने कहा हमारी शादी टूट चुकी है। दो घंटे पहले मैं यहाँ अकेली लैंड हुई हूँ और हमारा दूसरा हनीमून मैं खुद अकेली मनाऊंगी। बहुत से लोग यहाँ आकर खो जाते हैं और खुद को दोबारा पा लेते हैं। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ओह, तुम भी हमारे साथ आ रहे हो? हाँ, जेरी हॉलस्टन। नाम कंप्लेंट फॉर्म पर लिखना होगा तो याद रखना। ओह, तुम पायलट हो। हम अफ्रीका के सबसे बड़े गेम रिजर्व के ऊपर से उड़ रहे हैं। एक मिनट, हमें रुकना पड़ेगा। क्या रुकना पड़ेगा? कहाँ, क्यों? प्लेन में ही बैठी रहना, मैं अभी आया। शिकारियों ने हाथी दांत के लिए इसकी माँ को मार डाला। अगर हमने इस बच्चे के लिए कुछ नहीं किया तो ये दो दिन में मर जाएगा। मैं इसके साथ जाऊंगी। औरतों को समझना मुश्किल है। Well, मैं थोड़ा बाहर घूमने निकली हूँ, ये ठीक तो हो जाएगा। अभी कुछ कह नहीं सकते लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर अब इस जगह जंगली जानवरों से घिरी हुई हूँ। Hey, Miss New York. तुम घर तो आ रही हो ना? इस साल हम अफ्रीका में क्रिसमस मनाएंगे। और अफ्रीका में क्रिसमस कैसा है? देखो, मैं पूरे अफ्रीका के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन यहाँ एलिफेंट ऑर्फनेज में पूरे हफ्ते सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर शॉपिंग नहीं करते। अब तो मुझे सच में डर लगने लगा है। अब मुझे वापस घर जाना है। पता नहीं मैं वहाँ जाकर करूँगी क्या जो यहाँ कर रही हूँ। इसी तरह से शुरुआत होती है। आप एक हाथी से मिलते हो और जिंदगी भर के लिए आप उसके साथ जुड़ जाते हो। मेरे हाथी का ख्याल रखना। हमारा हाथी डेरिक, वो और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुमने अपनी फैंसी 5-स्टार सफारी मिस कर दी तो तुम्हें उसके बदले एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। बस स्टार्स थोड़े कम होंगे। कितने होंगे? 3? दो ही मानो तो अच्छा है। डेरिक, मैंने तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। यहाँ मैंने एक चीज सीखी है, किसी के ज्यादा करीब नहीं होना चाहिए। मैं इतना लंबा नहीं रुकने वाली थी। तुम्हें प्यार हो रहा है क्या? अफ्रीका से। पता है वो क्या? क्या? मिसलटो। वो मिसलटो तो बिल्कुल वो अफ्रीकन मिसलटो है।